इनके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, उन्हें साफ कह देना चाहिए कि मैं डील लायक इतनी मेहनत नहीं कर सकता। चलिए मुझे सचिवालय में बिठा दिया जाए। चलिए देवेंद्र प्रताप सिंह से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता एक बात बहुत अच्छी तरह जानती है और मुझे लगता है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो सादगी और जो बिना किसी लाग लपेट के किसी से भी मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए तुरंत इस मामले में, दोनों मामले में पहले सरकार को चाहिए कि कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, और तुरंत इस पर एक एक्शन रिपोर्ट मंगाए, तुरंत एक्शन और डीएम के खिलाफ। इसलिए कि देवेंद्र प्रताप सिंह, हमारा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री इतनी सादगी से आम जनता से मिल सकते हैं तो क्या मुख्यमंत्री से बड़ी है सीतापुर के डीएम, क्या मुख्यमंत्री से बड़े हैं रामपुर के डीएम? रमन भाई, मैं बिल्कुल अस्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल विपक्ष के ऊपर एक खोखला आरोप लगाने के सिवा और इनके पास कुछ भी नहीं दिखाने के लिए। नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कांग्रेस की, इसमें एक्शन होगा। कांग्रेस देखिए, एक्शन के बाद तो बहुत सारे चैनलों पे, बहुत जगह पे आप भी हमेशा जन समुदाय के मुद्दों को बराबर उठा रहे हैं और एक से एक बड़े बड़े नेता आते हैं कहते हैं एक्शन होगा। लगातार उत्तर प्रदेश में जरायम कायम है, जंगल राज कायम है। पिछले एक महीने जंगल राज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। लखनऊ की राजधानी में इतनी सारी डकैतियां, इतनी सारी चोरी हो रही है, मेरी बात सुनिए, टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे पास वक्त कम है। वहां पे स्पेसिफिक बात कीजिए कि दायरे में रहने के बाद भी जब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो इनसे और क्या अपेक्षा किया जाता है? स्पेसिफिक बात कीजिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को कुचल करके, आपको लगता है एक्शन होगा इस मामले में? एक्शन होगा काम कर देवेंद्र प्रताप सिंह, इस मामले में एक्शन होगा व्यवस्था देश में देने का काम करने जा रहे हैं इस मामले में? एक्शन होगा जिनके वोटों के बल पे देवेंद्र प्रताप सिंह बस नहीं है हमारे पास, हमारे पास वक्त मंत्री बने हैं आज, उन्हीं जनता के ऊपर इतनी अमानवीय देवेंद्र प्रताप सिंह, इतने अमानवीय मैं आप ही से जवाब दे रहा हूं, इनके अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। हमारा सवाल तो सुन लीजिए, एक्शन नहीं ले पा रही है देवेंद्र प्रताप सिंह, हमारा सवाल सुनिए, कांग्रेस इसके लिए दोषी? देवेंद्र प्रताप सिंह, हमारा सवाल सुनिए, निश्चित तौर पर दोषी आज की वर्तमान योगी की सरकार है। देवेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह पहले सवाल मेरा सुन लीजिए, स्पेसिफिकली इस पे बात करें इसलिए कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। चलिए वीरेन सिंह का रुख करेंगे। वीरेन जी, क्या आपको लगता है कुछ एक्शन होगा? इसलिए कि आपसे पहले